गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। 55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा कृष्ण सुपर मार्केटिंग, बूंदा बाबू कॉम्प्लेक्स, दमोह, बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। बेल्डवर्स न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर। देर रात पंडित बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के द्वारा कृष्णा हाइट में प्रश्नोत्तरी मंच का आयोजन किया जाता है, जिसमें जैन समाज की एक महिला के द्वारा माता की सवारी आने के सवाल को लेकर क्या कुछ महाराज जी के द्वारा कहा गया, क्या उसका उपाय बताया गया। वहीं उनके द्वारा क्वेश्चन किया गया कि ओम नमः शिवाय का जाप करने से क्या होता है, और भी अन्य प्रश्नों के जवाब महाराज जी के द्वारा दिए गए। आइए सुनते हैं क्या होती है माता की सवारी और उसे कैसे बैठाया जाता है, कैसे स्थान दिया जाता है। सुनते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज से। बिल्कुल जाननी है जी, ये देवी जी की सवारी क्या होती है, उनको स्थान देना क्या होता है, और ये घंटों घंटों बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करना और थोड़ा सा अपना होश में रहना, इन चीजों का क्या प्रभाव है, क्या स्थान देना आवश्यक होता है, मुझे इन चीजों के बारे में, पर मुझे जानना जरूर है क्योंकि ये चीज मुझे बहुत प्रभावित करती है। देवी जी की सभ्यता से कर दो, ये बड़ा ही गंभीर विषय है गांव के लिए। गांव में देवी माता आ जाती, कोई वहां काली माता, कोई वहां दुर्गा माता। हमारे धाम पे भी दो तीन बार काली माता आई, फिर नहीं आई। हम उल्टे आदमी, काली माता एक बार आ गई, वो भरी भीड़ में दरबार लगा था, हम अंदर बैठे थे और उन्होंने बाल खोले, माता जी ने पति के साथ आई थी मिलने, सुबह से शाम तक लाइन में नहीं लगू नंबर, मैं माता काली भद्रकाली, मेरा लड़का होकर मुझे नहीं पूछ रहा, हमारे पास सेवादार भगत है कपत, हमने कहा तुम क्यों कहां पर, बोली काली माता यार, मैंने कहा गत्ता वाले, बोले नहीं नहीं एक माता जी के ऊपर आ गई, अच्छी बात है आ गई, तो बोले वो कह रही हेलो सब नंबर नंबर एक तरफ करो, मैं सुबह से खड़ी इंतजार में, मुझे नहीं पहचान पाया मेरा बेटा, हमने कहा ऐसी माता तो इंटरेस्टिंग बुलाओ, बुलाया हाँ माँ भगवती आ गया कर, बहुत गंभीरता से सुना फिसल जाओ, हाँ बहुत गंभीरता से सुना, अगर आपने दिमाग नहीं लगाया इस बात में फिसल जाओ, तो हमने कहा भगवती आ गया करो, माता बोली मुझे नहीं पहचाना, और पति हाथ जोड़े कपे, बोला तुम का कप है, बोले ये हमारे घर से, अरे तुम जाओ हाँ तो खान खिलाओ, हमने कहा हाँ माँ आज्ञा करो, अरे बोले क्या आज्ञा करो, मैं दिन भर की खड़ी, कहा दो भी मैसेज दे दी, पति ने कहा वो मैसेज कैसे दे देते, हमके मैसेज का मतलब अगर शक्तिवान है तो इनके पास कोई शक्तियां हैं, तो हमारे पास जो गुरु कृपा है उनको मैसेज दे दो, हमारी बैल बजेगी, हम वाईफाई बोलेगा, कोई आया है हम अपने आप बुलाएंगे, हमारे भाई भाई में तो कोई सिग्नल नहीं है, एकदम प्लेन बफरिंग ऊपर से हो रही, कोई आज्ञा नहीं है, हमने कहा माँ आप आई हो अच्छी बात है, लेकिन हम भी कम बहुत की नहीं, हमने कहा भगवती माता आप पधारी आपकी देव, एक काम करो दुर्गा सप्तशती को आठवें अध्याय को एक श्लोक सुनाओ, आपकी ही तो दुर्गा अब माता आए मैं मेरी परीक्षा लेना चाहता ये, अरे हमारी परीक्षा छोड़ो श्लोक बताओ, श्लोक बताओ अब माता तो आए मैं तो और जीव लंबी है, अरे मेरी याद तो जीव लंबी कर ली है, तब हमने उनसे निवेदन किया, हमने कहा भगवती क्षमा करना, हम माँ की उलाहना नहीं करते, माँ हमारी पूज्य है, माँ हमारी है, पुत्र जायते कुछ कपी कुमाता न भगवती, पूत कपूत हो सकता परंतु माता कुमाता नहीं, हमने जब उन माता जी को ऐसी ललकार लगाई माता जी शांत हो गई, इससे फिर जो है हमने रात को अपने गुरुजी को यही प्रश्न किया, आज जो है गुरुजी मतलब सन्यासी वाला,
अब वो देखते तो है नहीं, पूजा में दीपक दीपक हमने रखा तो जो हम प्रदान करते हैं, हमने बालाजी को प्रणाम करके मंदिर पे गए, हमने कहा आज बड़ी कौतुक की बात है, आज हम डर गए, हम भी डर गए क्योंकि पहली बार ऐसी माता आई थी, कभी तो खप्पर मांगे सी लोग, हम भी हम लोग भी दिखा दे तो समझे ना हमारे लोग खून से मन ले रही अगर पराए करे नहीं है हमने अपने गुरु जी से पूछा, हमने कहा गुरु जी माताओं का शरीर पर आना क्या है, बोले प्रायः कोई भी देवी किसी भी शरीर पर नहीं आती, आप विचार कीजिए हनुमान जी शंकर जी या देवी जी किसी पापी शरीर को पकड़ रहे क्या वो आदमी जिंदा रह पाएगा, वो त्रिपुर सुंदरी भगवती किसी शरीर को स्पर्श कर दे तो वो आदमी इंसान से भगवान बनने की तैयारी कर लेता है एक स्पर्श, और एक डेढ़ घंटा माता काऊ पे रहा में हम दो मिनट में फेंचे होते हो बाल आल मांग के वो एकदम सी, तो बताओ उसकी शरीर की क्या दशा, जैसे कई बार हम सरकार के सामने सेवा कर हम दरबार में जाते हैं तो बच्चे हमसे कहने लगते कि आप थक क्यों जाते हैं, और उन्हें क्या बताएं दरबार में एक किंचित मात्र किंकारी, किंचित बहुत छोटी सी किंकारी, ऐसा नहीं कि हमसे हनुमान जी बात करते या हमें हनुमान जी दिखाई पड़ते, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास में कि हनुमान जी हमसे बात करते हो या दिखाई पड़े, उनकी किंचित मात्र किंकरी कृपा से हम तीन घंटे में इतने श्रमित हो जाते कि 24 घंटे हमने काम कर लिया, वो कथा में नहीं थकते दरबार में तक जाते किंचित मात किंकरी से, तो उस व्यक्ति पर क्या बीती जिसके ऊपर वो देवी सवार होगी या हनुमान जी सवार होंगे, तो ये देवियों की जो योगनियां है 64 योगनी है, वह योगनी सवारी भाव का मतलब क्या है, भाव, भाव का मतलब भाव, अंधर के भाव ही उस इष्ट के भाव बन करके प्रकट हो जाते हैं, अंदर के भाव ही, लेकिन कई बार किसी पर जोगनी रहती है जो देवी के साथ वाली, जैसे कई बार हम किसी के यहां नहीं जाते तो हमारे सेवादार चले जाते, इनका उतना ही मान सम्मान होता है जितना हमारा होता है, गुरु जी के यहां रहते उतना ही इनकी पावर, हम फोन तो किसी को लगाते नहीं, ये हमारे सेवादार फोन लगा दे, हाँ भाई बागेश्वर धाम से आया ऐसा कर देना, अच्छा इनका कहना मतलब गुरु जी का कहना, ऐसे ही योगनियां शरीर पर आती है, योगनी जिसे कहते जोगनी कहते योगनिया कहते जुगनिया कहते, वही योगनियां शरीर पकड़ती है। अब स्थान देने का प्रश्न किया, तो कुल पूज में जब सवारी बनती है तो स्थान देना चाहिए, स्थान देने का मतलब होता एक विशिष्ट जगह जहां उनकी पूजन आराधना जीवन पर्यंत की जा सके, ठीक, ये स्थान देना। पर आपने कहा एक एक घंटे उन्नमस्वाय जपने से बेहोशी आती है, ये मंत्र का प्रभाव है, ये मंत्र का ताकत है, जैसे भोजन की ताकत क्या है, ज्यादा खा लो तो उठते नहीं बनता या तो पेट गटर गटर हो जाए, ज्यादा खा लो तो गंद नींद आने लगती, हाँ जी ना जी, अच्छा बताओ भोजन में कोई नशा तो होता नहीं जी, होता कि नहीं जी, लेकिन भोजन पाते ही शरीर एकदम सुस्त होने लगता, उसी प्रकार मंत्र जपते ही मंत्र की ऊर्जा बॉडी में आने लगती है, शरीर भोज पकड़ने लगता और शरीर का तेज बढ़ने लगता है। अगर हमारे परिवार के दूसरे लोग सहयोग नहीं करते और 10-20 साल हम स्थिति से गुजर रहे हैं तो हम क्या करें कि बिना उसके भी हम व्यवस्थित जीवन जी सके, कभी भी किसी भी समय ऐसा होने लगना बोझ नहीं समझ आती है, तो नवरात्रि में अष्टमी तिथि को काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग बीज मंत्र जप करके, बीज मंत्र हम लिख देंगे, उस मंत्र का 108 बार जाप करके हवन करके रात्रि काल में उन लोगों में प्रार्थना कर दें कि आज से जो है हमारे शरीर को ना पकड़े, इस पर आप अपना तेज रख दें, और उन लोगों को आप शरीर में बांध रहे तो कभी भी बॉडी पर वह शरीर में सवारी नहीं बनाएगी। आप दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, स्थिति मेरी सासू माँ की है, उनको नहीं देख पा रही उस कंडीशन में, इसलिए मैं दो दिन से भाग रही हूँ पीछे पीछे की, कोई बात नहीं हो जाएगा, अपनी माँ को ठीक कर लूँ कैसे। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत से लोगों को ये होता है जी, जी। लेकिन आप संतुष्ट तो परंतु क्यों भूत प्रेत पिशाच इन चक्रों में भी नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा टोटका उपाय इन सब में बहुत ज्यादा, क्योंकि बड़ी शक्तियाँ साधारणतया नहीं मानती है, विनय से ही मानती जी जी जी। बीच मंत्र के लिए मैं आपसे
हाँ, अभी लिख के दे देते हैं।